आज हम लोग जानेंगे भूकंप, ज्वालामुखी और सुनामी कैसे आता है। ठीक, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, आराम से जान लेंगे। अब एक होती है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। ठीक, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या होता है? इसमें प्लेटों के संचलन के बारे में बताया जाता है। ठीक, जब प्लेटें पास पास आएंगी पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण, जब प्लेटें पास पास आएंगी एक दूसरे से टकराएंगी, तो इनमें क्या होगा? जब एक प्लेट की डेंसिटी अलग है, दूसरी प्लेट की डेंसिटी अलग है। ठीक, तो एक प्लेट मान लो ये वाली प्लेट है भारी प्लेट, ये भारी प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, हल्की। ठीक, अब ये दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। ठीक, अब क्या होगा? भारी प्लेट, देखो ये प्लेट इसके पास आ रही है, ये प्लेट इसके पास आ रही है। ठीक, दोनों में टक्कर होगी। देखो ये, देखो ये हल्की प्लेट है, ये हल्की प्लेट है, ये उसके ये ऊपर रहेगी, क्योंकि ये हल्की है तो पृथ्वी से ये ऊपर रहेगी। ठीक, ये भारी प्लेट है तो इसका अधिकांश हिस्सा पृथ्वी के अंदर रहेगा। ठीक, अब ये दोनों टकरा रही हैं। ठीक, दोनों टकराएंगे, धीरे धीरे पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों से टकरा रही हैं। जब ये टकराएंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी जब इन पर टेंस फोर्स लगेगा। ठीक, इनमें दोनों में बल लगेगा। ठीक, देखो ये आई दूसरी प्लेट, ये आई, दोनों में बल लगेगा। ठीक, एकदम से अब यहाँ से देखो, यहाँ से फोर्स आ रहा है, यहाँ से फोर्स आ रहा है, एक दूसरे से ऐसा फोर्स लगेगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जब ये भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे तीव्र गति से निक्षेपित हो जाएगी। ठीक, सीधी नहीं जाएगी, अगर ये सीधी जा रही होगी, सीधी जाएगी ऐसे, देखो एक प्लेट आई दूसरी प्लेट के अंदर सीधे धीरे 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 ऐसे निक्षेपित हो गई, तो इसमें भूकंप नहीं आएगा ना, एकदम इंटेंस एनर्जी निकलेगी। अब क्या होगा, यहाँ पर ये रुक जाती हैं। ठीक, फिर यहाँ से दोनों तरफ से फोर्स लगता है, फोर्स जब लगेगा तो एकदम झटके के साथ एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे सबमर्ज हो जाती है। ठीक, जब ये सबमर्ज हो जाएगी तो क्या होगा, अभी अचानक से सबमर्ज हुई है। ठीक, ये भारी प्लेट हल्की प्लेट के नीचे अचानक से सबमर्ज हुई है। जब अचानक से सबमर्ज होगी तो एक बहुत मात्रा में ऊर्जा निकलेगी। ठीक, जो ऊर्जा निकलेगी तो यहाँ पर आएगा भूकंप का अधिकेंद्र, एपिसेंटर, यहाँ पर भूकंप का अधिकेंद्र होगा। ठीक, जहाँ पर ये प्लेटें दोनों टकरानी हैं, ये भूकंप का अधिकेंद्र है। ठीक, अब ये जब देखो, जब ये वाली प्लेट ज़मीन के अंदर यहाँ चली गई, ठीक, पृथ्वी के अंदर यहाँ तक आ गई, यहाँ क्या है, गर्म तप्त मैग्मा है, तो ये प्लेट गल जाएगी। ठीक, जब ये प्लेट गल जाएगी तो पृथ्वी के अंदर ये प्लेट गल चुकी है, मैग्मा ये भी बन गई है, तो यहाँ क्या था, पहले ही ऑलरेडी मैग्मा था, अभी एक्स्ट्रा मैग्मा बना, तो एक्स्ट्रा मैग्मा क्या होगा, पृथ्वी के इस भाग से बाहर निकलेगा। ठीक, उसको जब वो मैग्मा यहाँ अतिरिक्त अवस्था में गल के बाहर निकलता है तो उसको क्या कहेंगे, ज्वालामुखी। वही जो गर्म तप्त लावा निकलता है उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी। प्लेट थी झटके के साथ जब अंदर गई फोर्स लगा के, तो जो इंटेंस एनर्जी निकली वो हो गया भूकंप, इस यहाँ हो गया एपिसेंटर भूकंप का। ठीक, तो ये हो गया भूकंप। अब जो जब अंदर चली गई ये भी गल जाएगी प्लेट, गर्म तप्त मैग्मा है, जब ये गल जाएगी तो अब अतिरिक्त जो मैग्मा बनता है वो पृथ्वी की सतह से बाहर निकलेगा, पृथ्वी की सतह से जब बाहर निकलेगा तो ये ज्वालामुखी की व्याख्या करेगा। ठीक, पृथ्वी की सतह से बाहर निकलेगा तो ये ज्वालामुखी। अब यहाँ पर ये मान लो, यहाँ ये प्लेट अब मान लो यहाँ आ गई, यहाँ, ठीक, यहाँ आ गई, यहाँ आके गल गई, मैग्मा परिवर्तित हो गई, तो ये मैग्मा यहाँ से बाहर निकलेगा पृथ्वी की सतह को फिर। ठीक, तो ये क्या हो गया, ज्वालामुखी। अब क्या होगा, सुनामी की व्याख्या क्या होती है? अब अगर यही प्लेटें जो सबमर्ज कर रही हैं, ये अगर समुद्री सतह है, ये समुद्र है, समुद्र, ठीक, अगर यही क्रिया समुद्र के नीचे होगी, समुद्र की तलहटी में हो रही है यही प्रक्रिया, यानी कि जो भूकंप है, अगर भूकंप समुद्र में आया है, समुद्र के अंदर आया है, तो क्या होगा, इंटेंस एनर्जी निकलेगी। तो जो भूकंप पृथ्वी पे एनर्जी रिलीज करता है PS और L वेव की तरफ में, वो क्या होगा, सागर में रिलीज करेगा वो एनर्जी, तो सागर में क्या होगा, वेव्स आएंगे, जैसे ये गिलास में पानी होता है, अगर उसमें एनर्जी आ जाए ऐसे ऐसे छलक जाएगा। ठीक,
ठीक छलक जाएगा ना, अगर उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए उस पानी को, गिलास से छलक जाएगा। तो ऐसे ही मान लो समुद्र का पानी है, ठीक, उसको अंदर भूकंप आया उसके अंदर, तो उसकी स्थायित्व डिसबैलेंस हो गया, ऐसे छलक गया। तो जैसे गिलास से पानी छलक जाता है तो बाहर आ जाता है, ऐसे ही जब इसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र में पानी बहुत अंदर तक बहुत तीव्र और बहुत ऊंची लहरों के रूप में जाता है, तो उसको हम सुनामी कहते हैं। समझ रहे हैं? ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, हाँ।